दबदबा शहर लगातार स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खान पान के क्षेत्र हो या फिर रेस्टोरेंट या होटल, हर क्षेत्र में शहर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहतर सुविधाओं के साथ यहां पर होटल की शुरुआत भी हो रही है और शहर वासियों को उनके बजट के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। मुरादाबाद के कांट रोड पर दी रॉयल ऑर्बिट होटल का हुआ शुभारम्भ। कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जिसमें महानगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस शुभारम्भ कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रिया अग्रवाल और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने होटल का फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही आयोजकों को बधाई भी दी। इस दौरान डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना था कि मुरादाबाद शहर में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और लगातार शहर स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये रॉयल ऑर्बिट की ओपनिंग से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और जो फैजान के ये एफर्ट्स हैं और इन्होंने जो कहा है कि मैं मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, उसके जो टैरिफ है वो बहुत रीजनेबल रखी, ये बहुत अच्छी सोच है। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी टूरिस्ट और विजिटर्स को जो कि कम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। 12 कमरे हैं। ये युवा हैं और इनका चौथा वेंचर है। मुझे तो लगता है कि अभी आगे जाएंगे और एक बहुत बड़ी चेन खड़ी करेंगे हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं फैजान। मुरादाबाद की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के वेंचर्स आ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में, मुरादाबाद काफ़ी आगे बढ़ रहा है और जो इस तरह के नए रेस्टोरेंट आ रहे हैं वो भी आएँ और ट्राई करें और इस का लाभ उठाएँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रिया अग्रवाल ने पहुंचकर मोहम्मद फैजान और उनके सभी परिजनों को बधाई दी और कहा कि लगातार मुरादाबाद शहर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करूंगी यह मुरादाबाद वासियों के लिए लाभदायक साबित होगा। शुभकामनाएं देते हुए प्रिया अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट होटल खुल रहे हैं तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है और 4 चांद हमारे शहर में लगेंगे। मैं फैजान भाई को और उनके परिवार को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरीके से इस एरिया में मिगलानी का नाम है, मिगलानी से भी एक अच्छा फेम इस होटल को मिलेगा। ऐसे ही मैं उनके लिए बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और एक चीज़, होटल के मैंने अभी सारे रूम्स देखे और पार्टी हॉल का भी जैसा उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर इस होटल का रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल भैया, रोज़गार भी बढ़ेगा, इस समय पैंडेमिक का भी है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ सर्विस में लोग जुड़ेंगे तो लोगों को भी नए अवसर मिलेगा काम करने के लिए। बिल्कुल, होटल के मालिक मोहम्मद फैजान का कहना है कि बेहतर सुविधाएं इस होटल में देने का प्रयास किया गया है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि कम से कम बजट में मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। पहले हमने खान पान के क्षेत्र में मुरादाबाद वासियों को पिंड बलूची के नाम से रेस्टोरेंट, उसके बाद अब हमने मुरादाबाद में एक होटल की शुरुआत की है जहाँ पर बेहतर सुविधाएँ देने के साथ साथ शहर वासियों को उनके बजट के हिसाब से सुविधाएँ दी जाएंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता भट्टे वाले, राहुल खन्ना, पंकज सिंह, जहूर मलिक, अंकित कुमार, सौरभ पोटिया, सरदार गुरप्रीत सिंह के साथ भारी संख्या में महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने मोहम्मद फैजान को बधाई दी और यह कहा कि शहर वासियों के लिए लाभदायक साबित होगा। लगातार हम खान पीन के क्षेत्र में भी, हमने पहले, आपने देखा होगा, हमने कुछ मंथ पहले हमने पिंड बलूची की शुरुआत की थी। जब पिंड बलूची की हमने शुरुआत की, अच्छे से अच्छे हमने उसमें सुविधाएं दी, कम से कम बजट में सुविधाएं दी। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पर एक होटल्स की भी आवश्यकता है हमारे रोड पर, हमारे नगरवासियों के लिए एक अच्छे होटल्स की, कम से कम बजट में बढ़ती महंगाई को देखते हुए उसकी यहाँ पर आवश्यकता थी, जो हमने आज उसको ओपन किया है। द रॉयल ऑर्बिट के नाम से कांट रोड पर ये स्थित है। अब नगर वासियों से अपने अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार हमें जो है एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। ये मॉडर्न सिटी के तर्ज पर हमने जो है सारी सुविधाएं देने का काम किया है। मेरा पहले भी यही सपना था और आगे भी मेरा सपना यही है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम बजट में और हम आगे जो है लोगों को सुविधाएं देने का काम करें।